बुध से टीवी का कौन सा सितारा रखने वाला है बॉलीवुड में कदम? पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्या होगा फिल्म का अंजाम? स्वागत करती हूं मैं प्रियंका आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बुध द प्राइड ऑफ इंडिया अजय देवगन की अपकमिंग वॉर फिल्म है, जिसमें उनके साथ कई बड़े सितारे भी स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे, जैसे कि संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नूरा फतेह, शरद गलकर। इसलिए फिल्म के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं और काफी समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से ये एक रियल लाइफ ब्रेवरी इंसिडेंट पर बेस्ड है, इसलिए लोगों की एक्साइटमेंट फिल्म के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। स्पेशली टीवी व्यूअर्स इसके लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि टीवी की दुनिया का ये बहुत बड़ा सितारा बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहा है, वो भी इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये कौन है और फिल्म में इसकी क्या जिम्मेदारी होने वाली है, जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी पिछली एक वीडियो में हमने आपको बताया था महेश शेट्टी के बारे में, जो टीवी के बहुत बड़े सितारे हैं, उस फिल्म में नजर भी आने वाले हैं। पर वो अकेले ऐसे सेलेब नहीं है, कोई और भी उनके साथ ये स्टंट करने के लिए तैयार है। कहते हैं ना, फिल्म के लिए जितना पर्दे पर अभिनय कर रहे लोग जरूरी होते हैं, उतने ही पर्दे के पीछे वाले सपोर्ट ग्रुप भी। और यही बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं अभिषेक दूधिया उर्फ मुकेश दूधिया, जो फिल्म बुज का डायरेक्शन करने वाले हैं। उन्होंने 20 से अधिक टीवी शोज का निर्माण और निर्देशन किया है, जैसे कि एहसास, कहानी एक घर की, अग्निपथ, सिंदूर तेरे नाम का, लाइफ का रिचार्ज। बुज के अलावा अभिषेक शौर्य चक्र विनर अमृत कौर पर एक बायोपिक बनाने की भी सोच रहे हैं। अभिषेक ने अपने सीरियल्स में ही अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर दिया है। उन्होंने लाइट हार्टेड कॉमेडी शोज भी बनाए हैं और डेप्थ में ह्यूमन फीलिंग्स को समझाने वाले सीरियल्स भी। उनके कलेक्शन में डिफरेंट बैकग्राउंड से आए लोगों की दोस्ती भी दिखती है, तो वही फैमिली रिलेटिव्स के बीच की दुश्मनी भी। उन्होंने अपने शोज के थ्रू तब लोगों के दिल में जगह बनाई थी जब टीवी इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ करता था। इससे तो समझ ही सकते हैं कि आखिर क्यों अजय ने अपने इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उन्हें दी। वैसे भी अजय को कई बार यंग टैलेंट्स को सपोर्ट करते देखा गया है। हम तो यही चाहेंगे कि अभिषेक की लाइफ का ये न्यू टर्न उनके करियर को पर लगा दे और वो अपने काम से और अपने फैंस की उम्मीदों पे खड़े हो सके। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने अभिषेक दूधिया के कोई भी शो देखा है, और अगर हाँ तो उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रिप्ट रिटन बाय उपासना पांडे।